नमस्कार दोस्तों, आज हम मूर्ति पेंटिंग के लिए आए हैं मार्बल की शॉप पर। देखिए यह है मार्बल की शॉप और यहाँ पर एक से एक मंदिर है, कई तरह के डिज़ाइन में है और कई सारी मूर्तियाँ हैं। और देखिए ये मंदिर और ये कई सारी मूर्तियाँ हैं और घर में साज सजावट के लिए कई सारे डेकोरेटेड आइटम हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं शॉप के पीछे जहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई है। ये देखिए बड़ी मूर्तियों में भी कई सारी मूर्तियाँ हैं और इसमें जो दुर्गा जी की मूर्ति है इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। देखिए इसमें हम माता जी की साड़ी को लाल कलर दे रहे हैं। माता जी की मूर्ति में अगर साड़ी में लाल कलर हो तो ये लाल कलर बहुत खिलता है माता जी के ऊपर। के बाद हम सिंह के ऊपर शेडिंग करेंगे। देखिए शेडिंग किस तरह की जाती है मार्बल के ऊपर। देखिए कलर को पतला रखेंगे और सूखे ब्रश से उसके इस तरह से ब्लेंडिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से शेड हो जाता है उस ये इस तरह से। देखिए बीच में लाइट रखेंगे और साइड साइड में हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हम बीच में लाइट ही रखेंगे और ये साइड साइड में हम डार्क करके सूखे ब्रश से ब्लेंडिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से काफ़ी इजी है मार्बल के ऊपर शेडिंग करना। देखिए ये हम चेहरे को उसकी शेडिंग कर रहे हैं इस तरह से। और अब हम डार्क ब्राउन कलर लेकर सिंह के जो बाल हैं उसके ऊपर शेडिंग करेंगे। देखिए किस तरह से डार्क लाइट शेडिंग की है इस तरह से। अब जो शेर के पीठ की चादर है उसका कलर हम ब्लू रखेंगे और उसकी शेडिंग कर देंगे इस तरह से। बीच बीच में हम उसको लाइट रखेंगे इस तरह से। देखिए अभी इस तरह से लुक आ रहा है मूर्ति का। देखिए इस तरह से सिंह और माता जी की साड़ी और ऑरेंज कलर का ब्लाउज रखा है हमने। अब उनके हार को हम डबल कलर में कलर करेंगे और ये अभी मुकुट में हम गोल्डन करेंगे इस तरह से। और हथेली के ऊपर हम माता जी के जो आशीर्वाद वाला हाथ है उसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम शेर के पैरों के पास घास बना देंगे इस तरह से। देखिए घास। और यहाँ पर हमारी मूर्ति लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से लुक आ रहा है माताजी का। देखिए और अब हम ये वाला स्प्रे इस पर करेंगे, क्योप का है। और ये स्प्रे इस तरह से हम केवल बॉडी पर करेंगे, यानी जो सफ़ेद मार्बल है उसके ऊपर करेंगे, चेहरे पर हाथों पर। तो दोस्तों कैसे लगी आपको दुर्गा माँ की पेंटिंग, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।